जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आपका आज फिर से ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। इसी शिक्षा को आगे बढ़ाता हुआ, इस क्रम को एक और नई दिशा देता हुआ, आज एक बड़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी जनरल सी बात करूँगा। आप इतने प्रोग्राम देखते हैं, इतने ज्योतिषियों को सुनते हैं, हर बंदा ये बता रहा होता है जी मेष लग्न वाला ऐसा होता है, वृष लगन वाला ऐसा होता है, मिथुन लगन वाले के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कर्क लगन वाले ऐसे स्वभाव के होते हैं, और मैं ये समझ नहीं पाता कि इस ज्योतिष विद्या की अनपढ़ता को हम सही दिशा कैसे दिखा पाएंगे। मेष लगन वाला मंगल के कैरेक्टरिस्टिक्स चार बोल देंगे जी, ये एनर्जेटिक होता है, ये कामकाज के लिए उत्साही होता है, ये अग्रेसिव नेचर का होता है, इसमें पोटेंशियल बड़ा होता है, ये धर्म को मानने वाला होता है। मैं ये समझ नहीं पाता कि इतनी गलत कैलकुलेशन ये कैसे कर सकते हैं। आप 500 कुंडलियां उठाओ मेष लगन वाले की, हर एक के कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको एक डिफरेंट मिलेगा, एक डिफरेंट चीज देखने को मिलती है। ये मेष लगन वाला इस कैरेक्टर का है, ये मेष लगन वाला इस कैरेक्टर है। किसी पंडित विद्वान से अगर पूछ लो कि जी मेष लगन वाली 10 कुंडलियां हैं, 10 के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो कंक्लूजन निकाल, नहीं जी ये तो हम परसेंटेज से देखते हैं। कभी भी एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंसेज में परसेंटेज नहीं होती। मेष लगन वाली जितनी कुंडलियां उठाओगे, उतनी की उतनी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अलग मिलेंगे। अब बड़ी हैरानी वाली बात लगेगी आपको, सर ऐसे क्यों, हमने तो ये कभी सुना नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि लगन एक है तो सबके कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे होंगे। नहीं दोस्तों, यही बात आपको समझाने में यहां आया हूं, यही बात मैं आपको आज डिटेल में समझाता हूं। मान लीजिए मेष लगन ही है, अगर किसी शख्स का लगन में ही चंद्रमा पड़ा है तो सदैव उसके डिसीजन मेकिंग में कमी रहेगी, सदैव उसके कॉन्फिडेंस लेवल में कमी रहेगी, सदैव उसकी सोच चलती ही रहेगी, एक सोच खत्म दूसरी शुरू, दूसरी खत्म तीसरी शुरू, तीसरी खत्म चौथी शुरू, वो कहीं ना कहीं उलझन में पड़ा होगा। यही मेष लगन वाला अगर मंगल लगन में लेकर के बैठा हो, मंगल स्वयं राशि का हो जाए, अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी ओन साइन का आ जाए, कामकाज करने की एनर्जी दे देगा, पोटेंशियल बढ़ा देगा, डिसीजन मेकिंग में अच्छा रिजल्ट देगा, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज कर देगा, धर्म के जिद पे अड़के भी वो धर्म को मानेगा, परमात्मा तक से वो लड़ाई कर लेगा। यही मंगल की कुंडली मेष लगन की अगर लगन में बुध बैठ जाए तो बीमारियों से घिरा रहेगा, टेंशन में रहेगा, छोटी मोटी बात पे इरिटेट जल्दी हो जाएगा, बहुत ज्यादा सोचने के बाद भी किसी नतीजे पर वो नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि बुध अति शत्रु ग्रह है मेष लगन में, अति मारक ग्रह है, रोग और पराक्रम का मालक है, फजूल मेहनत उसके सर पे बनी रहेगी। यही मेष लगन में अगर सर पे नीच के शनिदेव बैठे हों तो बंदा उल्टा हो जाएगा। यहां डिफरेंस आपको देखना है, क्योंकि पहले तो बोल दिया मंगल वाले मेष लगन वाले पोटेंशियल होंगे, एनर्जेटिक होंगे, अब यहां शनिदेव नीच के लगन में आ गए तो बंदा आलस्य से भर जाएगा, मन मर्जी से उठा, मन मर्जी से काम किया, नहीं दिल किया तो नहीं किया, डिसीजन लेने ही नहीं दूसरे पे छोड़ दिए, मदर फादर पे छोड़ दिए, खुद कुछ करने के लिए तैयार होना ही नहीं, अग्रसर नहीं होना, दिक्कत परेशानी, चेहरे पर ब्लैक स्टोन होगी, थोड़े कालेपन पे होगा क्योंकि शनिदेव का प्रभाव आ गया। लगन में यही बृहस्पति देवता बैठे हो, ज्ञानवान हो गया, सूझवान हो गया, धर्म को मानने वाला, पुत्र प्राप्ति के योग को लेकर के पैदा हुआ, दिशाबली, क्योंकि बुध बृहस्पति देवता और बुध देवता लगन में होते हैं, तो बृहस्पति देवता अगर लगन में बैठ गए तो वहां एक उसको बल मिल गया, दाम्पत्य सुख से परिपूर्ण हो गया, दूसरों की इज्जत करने वाला हो गया, पैसे की कमी नहीं रहने वाली क्योंकि भाग्य उठा के उसने अपने सर पे रख लिया है, खर्च उठा के उसने अपने सर पे रख लिया है, धन का कारक है बृहस्पति, अच्छा हो गया हमारे लिए। लेकिन अगर इस कॉन्टेक्स्ट को लेके चलूं कि अगर मान लीजिए सूर्य लगन में बैठा हो तो बोल्ड पर्सनैलिटी हो गया, रिजल्ट और अच्छे देने वाला बन गया, जबरदस्ती जोर आजमाइश से दूसरे को बात मनवाने वाला बन गया, अच्छा हो गया, हर काम जोर जबरदस्ती से करवा के अपनी होल्ड बनाने वाला,
गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में अपने आप की एक अच्छी पोजीशन होल्ड करने वाला या सीनियर ऑफिशियल से संपर्क रखने वाला, उनसे अच्छे तालमेल बनाने वाला, ये चीज इस तरीके से काम करती है। लेकिन हमारे यहां ज्योतिष विद्वान मेष लग्न की कुंडली की डेफिनेशन दे देंगे। हाउ इज इट पॉसिबल, आप कैसे एक डेफिनेशन दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। वृष लग्न वाला सुंदर होगा, लेकिन अगर राहु उसके ऊपर आके उच्च का बैठ जाए या मंगल वहां बैठ जाए या बृहस्पति वहां बैठ जाए तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव आ जाएगा। जैसे मैंने मेष लग्न की बात की, सारे ग्रहों की बात की कि सब ग्रह अगर लग्न में हो जाएं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस हो जाएगा, वैसे ही मेष लग्न पर जितनी दृष्टियां पड़ रही होंगी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसके मुताबिक गिने जाएंगे। मान लीजिए लग्न में बृहस्पति बड़ा है लेकिन नवें घर से राहु नीच का बृहस्पति को देख रहा है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्क पड़ जाएगा। तो जब ज्योतिष विद्वान किसी ऐसे राशि की डेफिनेशन देते हैं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। या तो आपको विद्या आती नहीं है या आप जानना चाहते ही नहीं है कि यह है क्या। किसी भी चीज को डिफाइन करने से पहले उसका नियम देख लो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप 10 कुंडलियां मेष लग्न की अपने सामने रखिए, 10ों के कैलकुलेशन कीजिए, सिर्फ वो परसेंटेज ऑफ 20-30% मंगल के जो तत्व निकालेंगे वो भी पूरे नहीं निकल पाएंगे। और एक आम इंसान समझ में नहीं आता, ये तो मेरे मेष लग्न की कुंडली के ये कैरेक्टर बता रहे हैं, मेरा बेटा का तो शनि नीच का सर पे पड़ा, उसके कैरेक्टर तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो कहां फर्क हुआ? फर्क हमारी कैलकुलेशन में हुआ। यही मेष लग्न की कुंडली में अगर शुक्र लग्न में पड़ा हो तो बहुत खूबसूरत होगा बच्चा। क्यों? क्योंकि शुक्र ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। बड़ा आशिक मिजाज होगा बच्चा। क्यों? क्योंकि वो ब्यूटी के साथ साथ ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ। बच्चे का ध्यान म्यूजिक में, गाने में, सिंगिंग में, फैशन डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, कॉस्मेटिक्स में, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ होगा। तो फिर मेष लग्न के कैरेक्टरिस्टिक कहां गए? ग्रह की प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि उस लग्न के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन ये हम विद्वान इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं समझते। मेष लग्न बोल दिए, एक आम आदमी बेचारा पत्री लेकर दर दर भीख मांगता फिरता है, जैसे ऐसे पत्री लेकर बेचारा घूम रहा होता है कि मुझे तो जी कैरेक्टर ही नहीं समझ आ रहे मेरे बेटे के। नहीं, यहां हमारी गलती है, हमारी डेफिनेशन देने की गलती है कि हम टीवी में बैठकर लाखों लोगों के आगे बोल रहे हैं नहीं जी ये लग्न वाला ऐसा होगा। नहीं, हम गलत हैं। बहुत बड़ी मिस्टेक है। कभी भी कोई भी लग्न भी अगर एक जैसे प्लेनेट भी पड़े होंगे तो भी वो रिजल्ट अलग अलग देंगे। कारण, सबसे बड़ी बात, सबसे पहला कारण, अगर उस ग्रह का बल नमाश में कम या ज्यादा होता हुआ तो आपके रिजल्ट्स में फर्क पड़ जाएगा। कैसे? मेष लग्न की कुंडली में लग्न में उच्च का सूर्य पड़ा है लेकिन अगर नमाश में यही सूर्य नीच का हो गया तो उसके उच्च रिजल्ट्स में भी खींच करके नीचे कमी ला देगा उसमें। एक बंदे का नमाश में भी उच्च का सूर्य पड़ा है, लग्न में भी उच्च का सूर्य पड़ा है, उसको फल उससे ज्यादा मिलेंगे। ये बात समझने की है। अब आधे जने सोचेंगे यार ये नमाश कुंडली क्या होती है, हमने तो पहली बार सुनी, हमें तो किसी पंडित जी ने बताया नहीं। होती है भाई, उसको कुंडली को जरा ध्यान से देखो, मिलेगी नमाश कुंडली। उससे आगे एक और बात, हर प्लेनेट की अगर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी होती है तो साथ ही में उसका षडबल लिखा गया होता है। षडबल मतलब वो कितने रिजल्ट देने के काबिल है, अच्छे या बुरे रिजल्ट कितने देने के काबिल है उसके अकॉर्डिंगली ही वो रिजल्ट देते हैं। जितनी डिग्रियां होती हैं, 30 डिग्री 29.59 तक होता है, उसके बाद 00 से प्लेनेट फिर चल पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्लेनेट एक का लगन 2 डिग्री है, दूसरे का लगन 4 डिग्री है, तीसरे का 10 डिग्री है, तीनों की कुंडलियों में जमीन आसमान का फर्क होगा। आपने अक्सर देखा होगा दो जुड़वा भाइयों की कुंडली है, दोनों की एक ही लगन की कुंडली है, 2 मिनट का फर्क है। अब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पंडित जी या टीवी बोलने वाले विद्वान एक ही बता देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसके लिए D60 देखा जाता है, उसमें पता चलता है कि ये अच्छा या बुरा कितना है। लाखों कुंडलियां एक जैसी हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके सबके कैरेक्टर एक जैसे होंगे। हमारी ये पूर्ण विद्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पे चलती है।
अगर आपको सही दिशा में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना आ गया देन आप कामयाब हो। लेकिन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मतलब ये नहीं कि दुनिया में सारे सवाल आपने निकाल लिए। दुनिया में सारे सवाल निकालने के लिए उतनी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। एक डॉक्टर हमें 10 मिनट देता है, फटाफट चेक करके दवाई लिख देता है। दवाई लिखने का मतलब उसने जितनी रिसर्च अपनी जिंदगी की पढ़ाई में लगाई है, उसके आगे जितना वो पढ़ा है, वो सारे का निचोड़ उसने हमें 10 मिनट में दे दिया। हम देखते हैं, गए स्टेथोस्कोप लगाया, बीपी चेक किया, ये प्रॉब्लम, ये हल लिख दिया। उसी तरह एक ज्योतिष विद्वान होता है, ज्योतिष एक लग्न कुंडली की झलक मार करके नतीजा निकाल लेता है कि इसकी कुंडली में कौन से ग्रह की क्या कैपेबिलिटी है, कितना ग्रह कारक बना, कितना मारक बना, इस पे कुंडली चलती है। मेष से लेकर मीन तक 12 कुंडलियां होती हैं, 12 लग्न कुंडलियां होती हैं। आगे आने वाले समय में हर कुंडली को मैं बोर्ड पर लगा करके उसके कारक और मारक ग्रह आपको समझाऊंगा और कोशिश करूंगा साथ में फटाफट मैं प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंगली भी ये बता पाऊं कि कहां ग्रह अच्छा होता है या कहां ग्रह बुरा होता है। इस कड़ी को इसी तरीके से समेटता हुआ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कभी भी कोई अगर लग्न कुंडली के बारे में बोल रहा है तो कृपया ध्यान दें और सुने, क्या वो सत्य बोल रहा है? नहीं। क्या वो झूठ बोल रहा है? नहीं। वो आधी अधूरी नॉलेज का तीर छोड़ रहा है, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। ये गलतियां मत कीजिए। ये विद्या हमारे विद्वानों ने बहुत अच्छे ढंग से लिखी है। इस विद्या में हर वो व्यवधान लिखा है जो आज की डेट में हम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में हेल्पफुल मानते हैं। इस विद्या के एक अपने नियम हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये उनमें बंधी हुई है। जैसे डॉक्टर मरीज को ठीक कर देगा, मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, कोई किसी का योग नहीं बदल सकता। फिल्म स्टार रेखा को किसी आचार्य ने कहा था कि हे देवी, आपकी कुंडली में दाम्पत्य सुख नहीं है, तो वो बोली, हे मूर्ख, मेरी शक्ल देखने को लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, इतना पैसा है कि मैं जहां खड़ी हो जाऊं, इतना फेम कमाया हुआ है कि लोग पीछे पीछे भागते हैं, और तू कह रहा है मेरी कुंडली में दाम्पत्य सुख नहीं है, कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। लेकिन आज भी वो दो मैरिजेस के बाद अनमैरिड और बिना संतान के वहीं की वहीं खड़ी है अकेली। तो ये हमारी कुंडली का योग हमें डिफाइन करता है। राशि आप बाजार में उठो, राशि 2010 की राशि ये पढ़ लो जी, भाई मेरे उसमें ये तो लिखा ही नहीं कि आपके प्लेनेट कहां पड़े हैं। हर चीज डिसाइड करने का कारण एक ही है, क्राइटेरिया एक ही है, नतीजा एक ही जगह से डिसाइड हो सकता है कि वो ग्रह कुंडली में पड़ा कहां है और वो कितना बल लेके पड़ा है। इसके बिना ये चीज पॉसिबल नहीं होती। कहना बहुत आसान है लेकिन इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा। इस मुताबिक मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हर कुंडली एक ही लाइन में लेके मत चला करो। इसमें आज आपको टिप ऑफ द डे देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्सर 90% हमारे घरों में देखी जाती है और बड़ी आम सी प्रॉब्लम है और ये युगों से चली आ रही है। सास बहू का ना बनना, सास बहू की रिलेशन में थोड़ी खटास रहना, सास बहू के रिलेशन में दिक्कत परेशानियां होना, या एक दूसरे के लिए अच्छा करना चाहो तो भी रिजल्ट अच्छा ना मिलना, ये प्रॉब्लम हमें अक्सर आती है। तो मैं एक छोटा सा बहुओं के लिए दान लिख देता हूं, आप बता दीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए कि शनिदेव का दान या पाठ आप कर सकते हो, लेकिन अगर पूर्णमासी का व्रत करते हो, क्योंकि सासू माँ जो होती है वो माता तुल्य मानी जाती है आपकी मैरिज के बाद, वो आपकी मदर से भी फर्स्ट प्रेफरेंस में आती है। द रीजन बिहाइंड इट, अगर आप पूर्णमासी का व्रत कर लेते हो, पाठ कर लेते हो, नमन कर लेते हो मैया का, उससे आपके सासू और बहू के रिलेशन में काफ़ी कुछ अच्छा मिल सकता है। इसलिए इस चर्चा को आज मैं यहीं समाप्त करता हुआ आपसे आज्ञा लेता हूँ। परमात्मा आप सबकी मनोकामना पूरी करे, शनिदेव आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय। We'll be right back.
है।